हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। इस एपिसोड में हम आपको जो बर्ड सेक्शन है वो कवर करवाएंगे, साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर एंड म्यूजियम को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और ये तो देखो, हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा बर्ड्स का विंग, जहाँ पे आपको बहुत सारे तोते और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स मिलेंगे। अब मैं एग्जैक्टली आपको नाम तो नहीं बता सकती, बिकॉज मुझे भी नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये आपने देखा होगा जनरली काफ़ी सुंदर है। ऐसे कैमरे में आई डोंट नो आपको कैसा दिख रहा है, बट आई से दिखने में बहुत ही कलरफुल है। दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इवन दिस वन, Look at this. This is very, very. ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने 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 सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ये अपना लंच टाइम है इसका, तो ले लंच कर रहा है एंड ही इज लुकिंग एट मी कि व्हाट आई एम डूइंग हियर। सी सी, वाओ, दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स। दिस बर्ड इज हैविंग 2-3 कलर इन हिज बॉडी। वन इज ग्रीन एंड हिज हेड इज इन पर्पल कलर, देन नेक इज इन ऑरेंज एंड येलो कॉम्बिनेशन, देन इसके जो विंग्स हैं उसकी लास्ट में ब्लैक कलर। दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। ये देखिए, इनके छोटे छोटे घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज ऑब्वियसली, नहीं जा पाए तो थोड़ा सा ओपन स्काई के लिए ये जो एक व्यू है ये देना जरूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड बाकी हम लोग यहाँ पे बर्ड वाले सेक्शन में, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर एकदम एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी के, वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के बहुत ही अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं। आप यहाँ पे आओगे, आप जरूर एक्सप्लोर करना। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मेरे सामने जस्ट ये देखिए कपल बैठा हुआ है एंड दे आर ईटिंग लंच। बहुत ही सुंदर है, क्यूट है। अभी थोड़ा मौसम गर्म है, अदरवाइज ये ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। इवन आप चाहो तो ये आपके हैंड्स में, शोल्डर में आके बैठ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन ट्राई। फ्रेंड्स, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बनाया गया है। यहाँ पे ब्लैक स्वान जो है वो उसका एरिया है। अब देखो, कुछ कुछ पानी में तैर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं। एंड इवन ऊपर वाला हिस्सा भी आप देखिए, ये वाला हिस्सा पूरा कवर किया गया है। इवन बैक साइड में आप देखोगे तो आपको सरदार सरोवर डैम दिख रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। वो वहाँ पे गेट्स दिख रहे हैं सारे डैम्स के। Thank you.
नहीं मिल गई। मेरे सामने ही है, आई कैन टच इट बट अलाउ नहीं है, सो आई विल नॉट टच। देखिए कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं हमारे इंडिया में। लोग बोलते हैं कि कहाँ जाएं, मैं आपसे बोलती हूँ आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए, यहाँ पे आपको हर वैरायटी के एनिमल्स देखने मिलेंगे, बर्ड्स की वैरायटी आपको बहुत मिलेगी। स्पेशली यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। ये है मिनिएचर पोनी, बहुत क्यूट होते हैं। फ्रेंड्स ये वाला जो सेक्शन है ये पेट जोन है, जो कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ जंगल सफारी जहाँ से स्टार्ट होता है उसका मेन गेट के सामने है। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो एनिमल्स हैं वो देखने मिलेंगे, तो और साथ में यू कैन टच एंड आप उनको खिला भी सकते हैं, उनके साथ फोटो भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा एक सेपरेट पेट जोन है जो कि हमें जंगल सफारी के जो सामने पड़ता है। यहाँ पे एक लॉग, ये देखिए आप, इसमें मैं कवर कर रही हूँ, एक सेक्शन है जहाँ पे ये सारी है। उसके बाद वहाँ पे ये जो रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपको हॉर्स रैबिट ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो जंगल सफारी लिखा है, जंगल सफारी के जस्ट सामने ये पेट जोन है एंड देन वहां से हम लोग ऐसा जाते हैं टूवर्ड्स, यहां से हम लोग दोबारा बसेस लेंगे एंड ये जो बसेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। एंड यहां से आप जस्ट सामने देखते हैं सरदार सरोवर डैम दिख रहा है, से गेट्स दिख रहे हैं और एग्जैक्टली यहां पे आपको जो फ्लावर वैली है वो भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड आप चाहें तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह के बुकिंग कर सकते हैं एंड एज पर योर चॉइस यू कैन विजिट एंड यू कैन कम। हम लोग फ्लावर्स वैली नहीं जा रहे हैं, उसका रीज़न यह है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए देखिए ये बस है, देखिए ये बसेस चलती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो कि मल्टीपल प्लेसेस से आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फुल फ्लेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जस्ट देख सकते हैं ये जो है ये लिखा है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये यहाँ से जाने का रास्ता है एंड ये हम इस एरिया में है, ये पार्किंग जोन है जहाँ पे बसेस रहती हैं, यहाँ से आप पिकअप ले सकते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नदी है एंड इसके बाद ये स्टैच्यू बना हुआ है, हम बहुत दूर से दिख रहे हैं एंड ये जो है दिस इज द बस स्टैंड जहाँ पे अभी हम उतरे हैं जंगल सफारी से आने के बाद। यहाँ से अब हमें जाना है इस तरफ, यहाँ पे 4 नंबर गेट है, वहां से हम ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से चलते हुए यहाँ पे जाएंगे एंड देन उनके चेस्ट के पास में गैलरी है, वहां पे मैं आपको चल के दिखाऊंगी कि कैसा व्यू दिखता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पूरा मैप है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ से टिकट काउंटर है, कहाँ पे लॉकर है, ये सारी चीज़ें आपको गाइड करने के लिए बनाई गई हुई हैं। अब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर, यहाँ से आप देख सकते हैं ये दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे स्टैच्यू की तरफ और ये आप देख सकते हैं ये आने और जाने के लिए दोनों साइड में एस्केलेटर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है इसलिए ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा वहां तक जाने के लिए।
हम लोग अभी स्टैच्यू के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं, और आगे भी चल के हम आपको दिखाने वाले हैं। हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, देखिए दिखाते हैं। फ्लोर पे आ गए आप, ये चेस्ट लेवल है, इसके ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है, सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, बैक व्यू देखना है, नीचे म्यूजियम में और उनके फील्ड लेवल उनके चरणों के पास जाना है। आपके टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। यहाँ से एग्जिट करेंगे बस पार्किंग से, बस मिलेगी 4 बजे, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स देखेंगे। 5 बजे पहले चले जाना, 5 बजे के बाद डैम बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, आपको जो सरदार पटेल हैं उनके जीवन की एक तरीके से जीवनी बोल सकते हैं, वो सारी दिखाई गई है, जैसे जेल में बिताए गए दिन, अंतरिम सरकार, ये देखिए यहाँ पे उनका स्टोरी चल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो सत्याग्रह क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फिर ये आ गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये फ्रेंड्स, ये पाथ दिख रहा है जहाँ से हम आते हैं, ये देखिए, ये जो जैसा आपको बताया था, ये जो है ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देखिए। एंड वो जो दिख रहा है वो कैक्टस गार्डन है, वहाँ पे अभी हम जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो आपको हम दिखाएंगे।
धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे जो ये पहाड़ है, ये पेड़ है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग का भी ऑप्शन है। एंड हेलीकॉप्टर से यदि आपको व्यू लेना है तो आप हेलीकॉप्टर से भी ये व्यू ले सकते हैं। यहाँ से देखिए अभी ये जो है ये वे है, यहाँ से भी हम लोग ऊपर जाएंगे। वहाँ पे जाके ये जो स्टैचू है उसकी स्लीपर के पास में हम लोग जाएंगे। वहां से आपको ये व्यू दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ से आपको ये दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति है।